गया था। आपका तो घर यही है, पास टर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया है जिसमें काफ़ी जाने गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते दो एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाज़ियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है, जो वहां पर जाकर के ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी। राइट नाउ दिस टीम इज कंसिस्टिंग ऑफ 47, वन टीम कंपोजिशन इज 47 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स आर आल्सो मूविंग अलोंग विद दिस टीम। बेसिकली दिस टीम विल परफॉर्म देयर द वर्क ऑफ रिकवरी एंड रिस्पॉन्स इन एज पर द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस। राइट नाउ वी हैव रिसीव द ऑर्डर्स फॉर 2 टीम्स। फर्स्ट टीम इज अबाउट टू मूव वेरी सून एंड सेकेंड टीम विल बी लीविंग इन द मॉर्निंग। Relief articles are not with us. We are going for disaster response basically. And after that, if humanitarian aid will be provided, that will be provided as per the Government of India guidelines. The team is going as per the composition prescribed by NDRF and accordingly we are moving. Medical components are also there. Paramedic staff is also there. Basically, search and rescue operations के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो earthquake का वहाँ पे त्रासदी हुआ है, उसमें जो search and rescue operation होंगे, उसको हम वहाँ पे perform करेंगे as per UN guidelines. और रिलीफ मटेरियल अलग से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी वो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। कितनी टीम है सर यहाँ से मूव करेगी? अभी पहली टीम यहाँ से अभी अबाउट टू मूव है, हम जाने वाले हैं यहाँ से एंड इसके बाद मॉर्निंग में दूसरी टीम एनडीआरएफ की मूव करेगी। अच्छा दूसरा बैच भी जाना है। हाँ, तो दूसरा अभी कहाँ अभी